हेलो स्टूडेंट्स दिस लेसन इज फॉर क्लास सेवन्थ और जो हमने पोईम की थी उस पोइम से नेक्स्ट पोइम पढ़ने से पहले बेटा एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी हुई है आपकी हनी कॉम के बुक में सो फॉर टुडे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी व्हाट इज दिस एक्टिविटी इट इज़ अबाउट स्टोरी राइटिंग सो वी विल डू द स्टोरी राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइव एलिमेंट ऑफ स्टोरी वो फर्स्ट एलिमेंट इज़ हु मीन्स हु इज़ द मेन करैक्टर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट इज़ वट क्या हुआ उसको क्या प्रॉब्लम थी ठीक है और फिर उसके बाद वाई क्यों हुई वो प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका हाउ और हाउ मतलब क्या जो कैसे उसने उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया क्या था और लास्ट में हमें डालना होता है मैसेज ठीक है तो ये स्टोरी के फाइव एलिमेंट है और आपको इन एलिमेंट्स को फॉलो करना चाहिए अब यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी दिखाई हुई है देखो सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड अब क्या है बेटा सबसे पहले स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड ये स्टैग है स्टैग कौन होता है बारासिंगा सिंगा को बोलते हैं स्टैग जो था वो साइड ऑफ द पॉन्ड था एक तालाब के किनारे था और हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल माय हॉर्न्स आर वो उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखा और कहता है कितने ब्यूटीफुल मेरे हैं कितने सुंदर सिंग है है ना बट उसके बाद उसकी नज़र जाती है किसपे जो इसके लेग्स हैं इसने देखा कि लेग्स और क्या बोलता है बट माई लेग्स और सुथीन एंड अगली लेकिन मेरे पैर जो है ना कितने अगली मतलब बद्दे दिखते हैं पतले दुबले पतले से और बड़े ही आ, अगली हैं हंटर्स रन फॉर योर लाइफ ओके हंटर्स आ गए अब और मतलब शिकारी आ गए और उसके पीछे लग जाते हैं तो ये स्टैग जो है भागना स्टार्ट करता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए लेट एस मू नेक्स्ट उसके आग आगे बोलता है लेट मी हाइड समवेयर तो अब क्योंकि हंटर इसके पीछे लगे हुए थे तो ये स्टैग सोचता है कि कहीं पर छुप जाता हूँ जंगल में जाकर दीज ब्रांचिज और नो लेकिन जो इसके जो हॉर्न्ग है, जो हैं वो ब्रांचिज बड़े बड़े जो पेड़ थे उनकी जो ब्रांच थी टहनियाँ थी उनमें अटक जाती हैं और ये बेचारा बुरी तरह से फंस जाता है दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ हेयर और फिर कहता है कि जो हंटर हैं वो तो बहुत पास आ गए हैं और अब मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से निकलना पड़ेगा अब उसके बाद बोलता है ये आई वॉज़ प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स कहता है कि मैं मेरे जो हॉर्न्स हैं जो मेरे सिंग हैं उन पे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड था है ना दे कुड हैव कोज माई डेथ लेकिन इन्हीं हॉर्न्स की वजह से मेरी जो है डेथ हो गई थी आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लैग्स और मैं जो अपने पैर हैं उनकी उन पर अशेम्ड था अशेम्ड ऑफ क्या होता है आ, जैसे शर्मिंदा होना बहुत न, पसंद नहीं करता था ना ये बोल रहा था कि थिन है और एंड कितने अगली हैं एंड दे सेव्ड मी और लेकिन मेरे जो लैग है उनकी वजह से जो है मेरी लाइफ सेव हो पाई तो ये देखा आपने अब इसका मेन कैरेक्टर कौन है बेटा सबसे पहले मेन कैरेक्टर है हमारा स्टैग किसकी लाइफ के बारे में है स्टैग उसके बाद इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि इसके जो ये अपने आप को लाइफ करता है और इसके जो से इसको बहुत ज़्यादा पसंद थे लेकिन उसके बाद इसके जो लेग्स हैं उसको ना पसंद थे प्रॉब्लम आ गई उसके बाद फिर क्या हुआ व्हाट हैपन व्हाट हैपन का जवाब क्या मिला हंटर्स आई है ना अब उसके बाद आ फिर जो अगली थिंग बोल रहा था जिसको जिसको ब्यूटीफुल मान रहा था वो उसके लिए हार्मफुल भी थे एंड दैट no, जो उसके लेग्स थे जो वो जिनको ये अच्छा नहीं समझता था, था वो इसके लिए बेनिफिशियल थे तो इस तरीके से हमारी एक स्टोरी होगी अब इस स्टोरी को आपको अपने नोटबुक में लिखना है सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नाउ आस्क योर पार्टनर दीज क्वेश्चन इन द पिक्चर्स यू कैन शेयर इट विद योर सिबलिंग्स आपके जो भाई बहन हैं उस उनसे भी डिस्कस कर सकते हो अदरवाइज सोच के खुद बताना वेर इज द स्टैग वट इज ही डूइंग वट डज ही लाइक हिज एंटलर्स एंटलर्स क्या होते हैं हॉर्न्स के लिए ही डज ही लाइक हिज लैग्स वाई इज द स्टैग आई थिंक प्रॉब्लम आ रही होगी दिख नहीं रहा होगा शायद थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ठीक है hmm. अब बोलता है कि वाई इज द स्टैग रनिंग इज ही एबल टू हाइड इन दुशिज वेयर आर द हंटर्स नाउ आर द क्लोजिंग इन द ऑन द स्टैग इज़ दस टैग फ्री वट डज दैग से अबाउट हीज होर्न्स एंड हिज लेग्स क्या बोल रहा था आपने उनके लिए है ना और लास्ट की एक्टिविटी क्या है हमारी कि हमें एक स्टोरी लिखनी है जो हमारे जो पिक्चर्स हमने ऊपर देखे थे उनको देख कर एक स्टोरी लिखनी है और इस स्टोरी को एक टाइटल भी देना है और साथ में एक मैसेज भी लिख दोगे ठीक है आप क्योंकि स्टार्टिंग में लिख रहे हो स्टोरी देखो पिक्चर्स में वर्ड भी दिए हुए हैं पिक्चर्स भी बनाई हुए हैं तो स्टोरी लिखना मुश्किल काम नहीं है ठीक है अब इसका टाइटल मैं लिख देती हूँ दस टैग ठीक है आप सब भी ये लिख सकते हैं और मेरे से भी बहुत अच्छे टाइटल अगर आपको मिल रहे हैं तो आप दस टैग टाइटल लिख देते हो टाइटल क्या होता है स्टोरी को एक नेम देना और मोरल में इसके लिख दोगे बेटा मोरल क्या लिखोगे डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ठीक है कि चीज़ों को सिर्फ देख के ही मतलब उनके यूज को मत समझो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर A book by its cover. ठीक है ये इसके लास्ट में लिखना है जब स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाए और बाकी जो आपको पता ही है क्या करोगे किस तरीके से करना है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ये इसका मोरल हो गया ये इसका टाइटल हो गया और स्टोरी कंप्लीट करनी है प्लस ये जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए ना टेन क्वेश्चन इनको भी लिख लेना है प्रॉब्लम हो तो जैसे अब आपके पास रिटर्न में ऐसे तो है नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज करके और सारे क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर लिख लेने हैं ठीक है बेटा ये आज के लिए होमवर्क भी हो गया और ये छोटी सी एक्टिविटी है नोटबुक में कर लेना फेयर में हाँ ये बुक के अंदर ना स्पेस बनाया हुआ है तो बुक तो सबने खरीदेगी नहीं होगी और अगर खरीद भी लिया ना तो एटलीस्ट बुक में अभी मत लिखना क्लास में जब मिलेंगे तो हम इसको बुक में लिखेंगे क्योंकि बुक में मुझे एक तो पेन की राइटिंग जो होती है बिल्कुल पसंद नहीं आती मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पेन से लिखे बुक में एंड सेकंड थिंग ये है बेटा कि अगर आप बुक में लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी और फिर रेड रेड सारा दिखता रहे दैट्स दट आपको नोटबुक में ही लिखना है ठीक है लेट अस स्टार्ट केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स